प्रज्ञा शर्मा है, मैं टाइकोंडो अकेडमी पुंछ टाइकोंडो अकेडमी की एक प्लेयर हूँ। तो हमारे यहाँ हम कुछ दिनों से नहीं आ पा रहे थे कोच सर, वो कहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से कहीं गए थे। तो जब वो वापस आए तो देखा गया कि हमारे जो मैट्स हैं वो किसी ने ज़बरदस्ती फाड़े गए हैं चाकू की मदद से। तो हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ इंडोर में सीसीटीवी कैमरेज लगाएं, क्योंकि इससे हमारी डेली प्रैक्टिस को बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैट टाइकोंडो का एक बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इधर सीसीटीवी कैमरा लगाएं और जिसने भी ये गलत काम किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ें। कोशिश कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी मैम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएं, और मैं स्टेडियम अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल की हमारे इंचार्ज मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ निर्दोष कुमार जी हैं, वो भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये जो कार्ड का प्रोसीजर है कि जो कार्ड बनाए जाएँ बच्चों के, ताकि कुछ जो बिना कार्ड के हों उनको इंडोर इंड हॉल में एंट्री ही ना मिले। जब एंट्री ही नहीं मिलेगी विदाउट कार्ड वालों को, जिनके पास कार्ड होंगे वही एंटर होंगे, तो विदाउट कार्ड वालों को तो जाने ही नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। और मोर ओवर हमारा ये जॉइंटली रिक्वेस्ट है कि सीसीटीवी कैमरा ज़रूर इंस्टॉल किए जाएँ इस इंडोर हॉल के अंदर, ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ की कम्युनल हारमोनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमरा में आइडेंटिफाई हों और उनको जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जा सके। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, जितने भी हमारी पुंछ के स्पोर्ट्स के फ्रेटर्निटी के लोग हैं, कि आप यहां आए और हमारी बात सुनने के लिए। यहां पे कुछ दिन पहले हमारे टेबल टेनिस के कुछ बैनर किसी ने वो खींच के फाड़े हुए हैं, और पिछले साल टैकवेंडो जो गेम है जो अंदर, वो भी इंडोर का एक पार्ट है, इस इंडोर का वो गेम भी एक पार्ट है, उनके भी बैनर लास्ट ईयर यहाँ फाड़े गए थे, और इस बार टेबल टेनिस के बैनर फाड़े गए, और टैकवेंडो के जो मैटिंग होती है वो आपने अभी देखी, तो वो भी मैट किसी ने फाड़े हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं तो ये बोलूँगा एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये काम नहीं है। स्पोर्ट्स एक खिलाड़ी बनना थोड़ा आसान है, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना बहुत बड़ी बात है। खिलाड़ी आप बन सकते हो, आपकी अच्छी गेम है, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आपकी कोचिंग अच्छी हो, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन बनना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको एक अंदर की एक फीलिंग लानी पड़ती है, एक मतलब एक आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्पोर्ट्समैन, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक मिसाल है हमारी, अगर सोसाइटी में अगर देखा जाए तो, अगर जो हमारा एक कम्युनल हारमोनी है, तो उसके पीछे अगर कोई एक मेन चीज़ है वो स्पोर्ट्स है। और ख़ासकर मैं अगर पुंछ की बात करूं तो बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे हमारे बैनर्स और मैट को फाड़ा हुआ है। तो मेरी आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ की इसकी इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आए दिन यहाँ पे क्यों, कौन यहाँ पे आता है और यहाँ पे जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो एक साथ ही मैं ये बोलूँ, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए इंडोर के अंदर, इवन के आउटडोर के अंदर भी, हमारी पहले भी इस पे डिमांड हमने पहले भी रखी हुई है। और प्लस आप देखें, पूरी हमारी यूटी जे एंड के यूटी में संडे को स्टेडियम जो है वो बंद रहता है, खासकर इंडोर, हालांकि आउटडोर भी बंद रहते हैं। इंडोर जम्मू एमएम स्टेडियम देखो, श्रीनगर में आप बख्शी स्टेडियम देखो, या बाकी भी जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हमारे इंडोर कम्प्लेक्स हैं वो छुट्टी के दिन बंद होते हैं, और वाहिद यही हमारा ये कम्प्लेक्स है जो छुट्टी के दिन भी खुला होता है। तो ये छुट्टी के दिन हम ये कहते हैं कि छुट्टी के दिन ये बंद रहे। पता नहीं किसके पास चाबी होती है। मैं अगर टेबल टेनिस की बात करूँ, 30 साल से मैं टेबल टेनिस चला रहा हूँ, ये राजेंद्र जी ये मेरे साथ हैं टैकवेंडो के, ये भी टैकवेंडो यहाँ पे चला रहे हैं पिछले 4-5 साल से, ये सोनू जी हैं, ये दविंदर डाबर जी हैं जो एक वेटरन स्पोर्ट्स पर्सन है, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये चीज़ें हमने आज तक नहीं देखी, तो हम ये चाहते हैं कि ना ही हमें चाबी चाहिए, ना ही हमारे जितनी भी स्पोर्ट्स के जो इंडोर गेम्स वाले लोग हैं, हमें चाबी नहीं चाहिए। चाबी यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, चाबी उनके पास होनी चाहिए। और 4 बजे हर रोज़, 4 बजे से लेकर जो भी टाइमिंग इनका फिक्स है, 4 से 6 या 7 या 8 बजे तक, तो
छुट्टी के दिन हॉल बंद होना चाहिए। जब छुट्टी के दिन भी हम देखते हैं, हम जब बाहर से यहाँ कहीं से शाम को गुजरते हैं तो हमारे इंडोर की जो लाइट्स हैं वो ऑन रहती हैं। इसका मतलब इंडोर में छुट्टी के दिन भी गेम्स खेली जाती हैं। अगर मैं टाइक्वांडो और अपनी गेम की बात करूँ टेबल टेनिस, वो छुट्टी के दिन कोई बच्चा यहाँ नहीं आता है और ना ही हम चाहते हैं कि छुट्टी के दिन भी ये गेम हमारी कंटिन्यू हो। तो वैसे भी एक 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 सिस्टम है कि छुट्टी के दिन चलो बच्चे भी रेस्ट करते हैं और जो एम्प्लॉइज हैं स्पोर्ट्स काउंसिल का उनके लिए भी छुट्टी है, वो यहाँ हॉल क्यों खोलें। बट चाबी किसके पास है? बात यह है कि चाबी संडे के दिन या किसी छुट्टी वाले दिन किसके पास चाबी है जो यहाँ पे लोग आते हैं और हॉल को खोलते हैं, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ करते हैं। तो उस अगर चाबी जब स्पोर्ट्स काउंसिल के एम्प्लॉइज के पास होगी तो वो इसका जिम्मेवार होगा। तो फिर ऐसी जो हरकतें हैं अपने हमारे बैनर फटने की या मैट के फटने की, ये ऐसी हरकतें दोबारा नहीं होंगी अगर एक सिस्टम से ये हाल खुले और छुट्टी के दिन ये हाल बंद।